नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर स्वीप कार्यक्रम के तहत वाहन रैली निकालकर 7 मई को आगामी लोकसभा चुनाव में शत प्रतिशत मतदान करने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया और लोगों को मतदान अवश्य करने हेतु शपथ दिलाई गई। भिलाई निगम क्षेत्र के संतोषी पारा बैकुंठ धाम मैदान में सैकड़ों वाहनों को स्वीप अक्षर के आकार में खड़ा कर जिला प्रशासन में स्वीप के नोडल अधिकारी, जिला पंचायत सीईओ, निगम भिलाई आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव, अपर कलेक्टर योगिता देवांगन, अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने हरी झंडी दिखाकर मतदाता जागरूकता के लिए रवाना किया। वाहन रैली नंदिनी रोड, छावनी, खुर्सीपार, पावर हाउस, संपूर्ण सेक्टर क्षेत्र का भ्रमण कर सेक्टर 7 स्कूल मैदान पहुंचा, जहां वाहनों को 7 मई लिखे आकार में खड़े कर वहां मौजूद निगम, जिला प्रशासन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अधिकारी कर्मचारी, महिला कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के युवाओं को निष्पक्ष निर्भीक होकर बिना भेदभाव के मतदान करने का शपथ दिलाया गया। इसके बाद वाहन रैली को नेहरू नगर मॉल रोड, सुपेला रामनगर 18 नंबर सड़क, कैंप के क्षेत्र के लिए झंडा दिखाकर रवाना किया गया। वाहन रैली वैशाली नगर एवं भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र के लगभग 30 किलोमीटर परिधि में फेरा लगाकर मतदाता जागरूकता के लिए 7 मई को मतदान अवश्य करने की अपील करते हुए बैनर पोस्टर से सजे वाहन रैली का जी रोड साक्षरता चौक में किया गया। आगामी लोकसभा निर्वाचन के लिए जिला प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के निर्देश जारी किए गए हैं। उसी के तहत नगर निगम आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव सर ने नगर निगम क्षेत्र में, चूंकि भिलाई नगर निगम क्षेत्र में वैशाली नगर विधानसभा और भिलाई नगर विधानसभा दोनों प्रभावित होते हैं, इसलिए दोनों क्षेत्र में मतदाता जागरूकता अभियान के लिए वाहन रैली निकालने के निर्देश थे। उसी के तहत बैकुंठ धाम संतोषी पारा से रैली 1 बजे प्रारंभ हुई, वहाँ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और जो कुर्सी पार, पावर हाउस, छावनी, सेक्टर 1 सेंट्रल एवेन्यू से होते हुए सेक्टर 7 स्कूल मैदान में वहाँ उपस्थित हुए, जहाँ जिले के नोडल अधिकारी, स्वीप के नोडल अधिकारी और जिला प्रशासन के लोग, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी, कॉलेज के छात्र छात्राएं सभी लोग इकट्ठे होकर वहां शपथ दिलवाया गया निर्भीक और निष्पक्ष मतदान करने का। उसके बाद फिर उस गाड़ी को फिर से रवाना किया गया हरी झंडी दिखाकर, जो नेहरू नगर से सुपेला अवंतीबाई चौक मॉल रोड होते हुए सेक्टर 3 चौक पर आकर खत्म हुई। रैली में स्वीप के सहायक नोडल अधिकारी डॉक्टर पुष्पा पुरुषोत्तम के अलावा नगर पालिक निगम भिलाई के अधिकारी कर्मचारियों सहित कॉलेज के शिक्षक, शिक्षिका, युवा, छात्र एवं समाज सेवी संगठन के लोग शामिल रहे। ACN न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।